गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने अब तक जो डिस्कस कर लिया था, तो हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ जेट में जितने केसेस हो सकते थे डिस्कस कर लिया था। तो हम लोगों ने उसमें यह भी देख लिया था कि किस तरीके से इम्पैक्ट टर्बाइन्स और रिएक्शन टर्बाइन से कंसेप्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, तो हम लोगों का मेन जो पर्पस था कि सबसे पहले जो जेट आ रही है, जो फ्लूइड स्ट्रीम आ रही है, वो किस तरीके के उस सर्फेसेस पे किस तरीके से बिहेव करने वाली है, सबसे पहले हमने इसकी एनालिसिस की। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अब हमारे पास क्या 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 क्लियर हो गया, मुझे पता चल गया कि एक ये टरबाइन का सेक्शन जो व्हील पे माउंट किया जाएगा, ठीक, और जिसके सेंटर पे हम लोगों को इंपैक्ट कराना है। दूसरा कर्व वेन पे ही एक ऐसा सेक्शन जो हम कहां पे इंपैक्ट कराएंगे, उसके किसी एंगल पे लेके जाएंगे। ये दो सेक्शंस हमारे कैसे आए, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में यही हमारे पास बन के आए, जो हमें प्रैक्टिकली फिजिबल केसेस मिले, और इनकी इसमें एक में एफिशिएंसी भी 100% के पास। तो हम लोगों ने इसको इसका इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने बना लिया इंपैक्ट, और इस कंसेप्ट को यूज करके हमने बनाए रिएक्शन टर्बाइन्स। ठीक, तो दोनों तरीके के हमने पहले जब पूरे तरीके से देखा कि किस तरीके से जेट किस तरीके का बिहेवियर करने वाला है, किस तरीके की सरफेस में किस तरीके की एफिशिएंसी मिलने वाली है, हमने इसकी एनालिसिस इंपैक्ट ऑफ जेट में कर ली। तो हमें दो तरीके के क्लियर मिले कि एक जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके सेंटर पे स्ट्राइक कराएंगे, और इस कंसेप्ट को हमने यूज किया कि इसमें इंपैक्ट टर्बाइन्स में, और वहीं पे दूसरी तरीके की इंपैक्ट टर्बाइन या इंपल्स टर्बाइन, सॉरी क्या, इंपल्स टर्बाइन में। और दूसरा जो केस बना हमारा वो क्या बना कि हम इसे किस ब्लेड एंगल पर रखेंगे, इसमें हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम मास फ्लो रेट को बढ़ाएंगे, भले ही वेलोसिटी कम हो तो इसमें हमारी हमें पार्शियली कन्वर्जन करेंगे। ठीक, हमारे पास कोई इसमें क्या है, टोटली कन्वर्जन कर देते हैं जितनी भी अवेलेबल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन इसका क्या होगा, इसमें हमारा मेन कंसीडरेशन है कि मास फ्लो रेट को बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे वेलोसिटी का कन्वर्जन क्या कर दिया हमने, पार्शियली कर दिया, और इस कंसेप्ट को यूज किया रिएक्शन टर्बाइन में। क्लियर, तो इंपैक्ट ऑब्जेक्ट से ये दो रिजल्ट हमें क्या मिले, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में मिले, जिन्हें हम यूज कर लेंगे अपनी टर्बाइन में। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बना, अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है हम अब डिस्कस करेंगे टर्बाइन्स के बारे में। किसके बारे में, टर्बाइन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टर्बाइन्स के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास जो बेसिक एलिमेंट्स थे, मुझे पता है मेरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में सबसे पहले था एक क्या था, मेरे पास एक डैम था, डैम से एक क्या आ रही थी, पेन स्ट्रोक आ रही थी वाटर लेकर के, और इसमें दो तरीके के, या तो हमारे पास सर्ज टैंक होता है या फोरवे टैंक, फोरवे यूज करते हैं। ठीक, फोरवे कहाँ पे लगाया जाता है, हमेशा टरबाइन की हेड पे, यदि फोरवे यूज करने है तो हम कहाँ पे, टरबाइन के हेड के पास। लेकिन ये फोरवे कब यूज होता है, जब हमारा क्या हो, हेड जो अवेलेबल है वो कैसा हो, मीडियम या लो हेड में हो। ठीक, वहीं यदि हम सर्ज टैंक का यूज करेंगे तो उसे हम टरबाइन सेक्शन के पास लगाते हैं, और उस ठीक, और वो कब यूज किया जाता है, जब हाई हेड या इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं। ठीक, और इन दोनों का काम एक ही था कि जब टरबाइन में वाटर की कमी या अधिकता होती है तो उस समय ये क्या करते हैं, ये रिजर्वायर काम करते हैं, जब एक्सेस में वाटर चाहिए होता है तो ये वाटर को सप्लाई करते हैं, और जब कम चाहिए होता है तो वाटर को स्टोर करते हैं। क्लियर, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम ये हमारे क्या कर रहे थे, सर्ज टैंक या फोरवे कर रहे थे। ठीक, इसके बाद हमारा डैम था, पेन स्ट्रोक था, सर्ज टैंक या फोरवे हुआ, फिर हम लोगों ने यहां से देखा इंपैक्ट, सबसे पहले जेट बन के आया, ये इस जेट की जो ये फ्लूइड स्ट्रीम आई, इसी फ्लूइड स्ट्रीम का हमने सबसे पहले सरफेसेस में क्या किया, अलग अलग सरफेसेस में हम लोगों ने एनालिसिस किया, और हमने दो केस ऑप्टिमाइज कर लिए कि ये दोनों केस हमारे पास ऑप्टिमम केस हैं, और इनका हम लोग यूज करेंगे। उसमें उस कंसेप्ट को यूज करके हमने एक इंपल्स टर्बाइन बना ली, दूसरी रिएक्शन टर्बाइन बनाई। तो अब इस टर्बाइन, अब हमारा जो मेन कंसिडरेशन है, अब हम इस टर्बाइन सेक्शन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर, तो हमारे पास दो तरीके की टर्बाइन आई, एक इंपल्स, दूसरी रिएक्शन। अब इंपल्स टर्बाइन की जब बात करते हैं तो मैंने कहा इंपल्स टर्बाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या लगी होगी, एक नोजल, इन केस ऑफ इंपल्स टर्बाइन, इन केस ऑफ इंपल्स टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन का यदि केस होगा तो मेरे पास यहां पेन स्ट्रोक के ठीक बाद हम क्या लगाएंगे, नोजल, और क्या करेंगे, टोटल प्रेशर एनर्जी जो या पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ये नोजल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक, उसमें इस ड्राफ्ट ट्यूब का कोई यूज नहीं होता, लेकिन यदि इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन,
इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन की यदि बात करेंगे तो मुझे यहां पे पार्शियली क्या पार्शियली प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन होगा, ठीक, इसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां या तो ठीक है, क्लियर। तो यहां पे जब अब फिर इसके बाद क्या हो रहा होगा, निश्चित तौर पे जो शेष प्रेशर एनर्जी है तो वो प्रेशर एनर्जी ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, किसमें चेंज होती रहती है ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, किसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजों को हम लोग अभी धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारा मेन कंसिडरेशन है टर्बाइन सेक्शन, किस पे बात करने वाले हैं, हम टर्बाइन सेक्शन पे बात करेंगे, क्लियर। तो हमें कितने तरीके की, दो तरीके की प्रोफाइल्स मिली, कितनी तरीके की प्रोफाइल्स मिली है, दो तरीके की प्रोफाइल्स मिली है। एक प्रोफाइल हम लोग यूज करने वाले हैं इंपल्स टर्बाइन में और दूसरी यूज करने वाले हैं रिएक्शन टर्बाइन में। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों का कॉन्फिगरेशन होता कैसा है, ठीक। एक चीज और यहां से क्लियरली देख लीजिए, कुछ टर्म यूज किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरा क्या है, ये जो किसी भी डैम में भरी हुई जो वाटर की सबसे एबव लेयर होगी, ये क्या है, डैम, डैम में वाटर भरा हुआ है तो इसकी जो सबसे एबव लेयर है उसको हम कहते हैं हेड रेस लेवल। क्या कहते हैं उसे, हेड रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड रेस। किसी डैम में यदि वाटर भरा हुआ है, वाटर की जो सबसे क्या होगी, हाईएस्ट लेवल लेयर होगी, उसे हम कहते हैं हेड रेस कहते हैं। और वाटर जहां पे छोड़ा जाएगा टर्बाइन से निकल करके, वाटर कैनाल से छोड़ा जाएगा ना, ये क्या है मेरी कैनाल, क्या है कैनाल, कैनाल या ठीक, या कहीं पे भी जहां पे भी आप वाटर छोड़ने वाले हैं, तो टर्बाइन से निकलने के बाद जहां पे वाटर छूटेगा तो वो उसका जो एवम लेवल होगा उसे हम कहेंगे टेल रेस, क्लियर, ठीक। डैम की सबसे ऊपर की लेयर वाटर की क्या कहलाती है, हेड रेस। और जहां पे वाटर छूटेगा उसकी एवम लेयर क्या कहलाती है, टेल रेस। और हेड रेस और टेल रेस का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस हेड। क्या कहते हैं, ग्रॉस हेड। ये क्या है मेरा H1, ग्रॉस हेड है, मैक्सिमम हेड कह सकते हो इसे, ठीक। यही तो ओवरऑल ये जो हाइट है, यही तो मेरे पास टोटल इस पूरे जितना वाटर भरा हुआ है MgH1, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस डैम में क्या है, स्टोर हो गई है, क्या है, हाई हेड पे मैंने इस वाटर को भर रखा है, तो इस डैम में ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी MgH1 के फॉर्म में ये वाटर एक्यूमुलेट किए हुए है, और ठीक है, क्लियर, ठीक। अब ये वाटर जब पेन स्ट्रोक से आगे निकलेगा तो क्या होगा, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा, ठीक। वो हेड लॉस क्या, 4FLB² से दिया जाता है, 4FLB² / 2DG, ठीक। ये हेड लॉस स्पेन स्ट्रोक में अकर कर जाएगा, इसलिए जो इधर हेड लॉस को हटा दे, यदि हम H1 में से ये जो हेड लॉस हो रहा है HF, इसको यदि हटा दे तो अब ये जो हेड होगा ये टर्बाइन को मिलेगा और ये क्या कहलाएगा, नेट हेड, और इसी को कहते हैं इफेक्टिव हेड, क्लियर। यहां पे दो तरीके के हेड की बात होती है, एक तो मेरा जो हेड रेस और टेल रेस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितनी हाइट मुझे मिली हुई है हेड के फॉर्म में, वो कहलाती है ग्रॉस हेड। लेकिन ये रियल में यूज नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ पेन स्ट्रोक से जब वाटर आता है तो उस समय क्या होता है, फ्रिक्शनल हेड लॉस कर जाता है, उसको यदि हम घटा दें तो जो टर्बाइन को मिलेगा वो कहलाएगा मेरा नेट हेड या इफेक्टिव हेड, क्लियर। यदि हम ग्रॉस हेड में से फ्रिक्शनल हेड घटा देंगे तो वो क्या बनेगा मेरा, नेट हेड या इफेक्टिव हेड बन जाएगा, क्लियर, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों को अब हम लोग चलते हैं किसमें, टर्बाइन सेक्शन में डिस्कस करते हैं, किसमें, टर्बाइन को देखते हैं क्या हो रहा है टर्बाइन में, ठीक, क्लियर। हमने इंपैक्ट ऑफ जेट की स्टडी कर ली, कितने तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, किस किस तरीके की सरफेस में किस तरीके की इफिशियंसी आई, किस तरीके से उसने हमें वर्क डन दिया, मैक्सिमम इफिशियंसी किन केसेस में मिली, और जो केस जिन केसेस में हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिली उन केसेस को अब हम लोग प्रैक्टिकली फिजिबल भी हो ऐसे केसेस को हम लोग क्या करेंगे, अब यूज करेंगे अपनी टर्बाइन के लिए। और इन टर्बाइन इसी जिस तरीके से हम लोगों ने स्टडी की, उस स्टडी से हमें दो तरीके के केस कैसे मिले, सही मिले, और उन्हीं के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने दो तरीके की टर्बाइन बनाई, एक बनाई हमने इंपल्स टर्बाइन, दूसरी बनाई रिएक्शन टर्बाइन, क्लियर, ठीक है। अब इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन हमने बना ली, तो दोनों को हम लोग देखते चलते हैं, ठीक। अब इसमें किस तरीके से इफिशियंसी आएगी, किस तरीके से लॉसेस होंगे, इस चीज पे बात करने वाले हैं, क्लियर, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए
इंपोस्टर वाइन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इंपोस्टर वाइन के बारे में। तो इंपोस्टर वाइन में बात करते हैं, क्लियर। तो इंपोस्टर वाइन में सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, एक वाटर रिजर्वायर डैम है। डैम क्या है? ये वाटर रिजर्वायर है एक तरीके का, ठीक। जिसके पास क्या है, इसमें ग्रॉस हेड है। क्या है ये? ग्रॉस हेड अवेलेबल है यहाँ पे मुझे H1 हाइट पे, ठीक। या कहो कि इस H1 हाइट की वजह से, टोटल मास की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास MgH1, ठीक। इस रिजर्वायर से क्या निकल के आया है? पेन स्ट्रोक, ठीक। यहाँ पे पेन स्ट्रोक इन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होगा पेन स्ट्रोक पे, तो उसको हम कहते हैं पेन स्ट्रोक लॉसेस। क्या कह देते हैं? पेन स्ट्रोक लॉसेस कह देते हैं। और ये क्या होगा? HF हेड लॉस है, 4FLV² / 2DG से दिया जाता है, क्लियर। अब पेन स्ट्रोक एंड में लगी होगी एक नोजल, क्या लगी होगी? इंपल्स टरबाइन है तो एक नोजल लगाई जाएगी जिसका काम होगा कि टोटल प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? काइनेटिक एनर्जी में। तो कुछ ना कुछ लॉस यहां पे भी, हेड लॉस इन नोजल भी होगा, हेड लॉस इन नोजल, ठीक। कुछ ना कुछ हेड लॉस नोजल पे हो रहा होगा, ठीक। इस नोजल ने क्या किया, टोटल पोटेंशियल जो प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी है, उसको क्या कर दिया इसने? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? अब ये नोजल के बाद कहां जाएगा? अब जाएगा टरबाइन के व्हील पे, टरबाइन व्हील या टरबाइन रनर, ठीक। अब वाटर कहां पहुंच गया? टरबाइन व्हील या टरबाइन रनर पे पहुंच गया। तो इस दौरान जितने लॉसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिक लॉसेस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक लॉसेस। हाइड्रोलिक लॉसेस में कौन कौन से? जैसे ब्लेड फ्रिक्शन, ब्लेड से टकराएगा तो ब्लेड फ्रिक्शन लॉसेस, फिर लीकेज लॉसेस, क्योंकि टोटल पोर्शन क्या होगा, कुछ ना कुछ वाटर ब्लेड से मिस आउट हो जाता है, ठीक, लीकेज लॉसेस अकर करेंगे। और क्या अकर करेगा? फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस अकर करेंगे। और क्या होगा? इडी लॉसेस, इडीज फॉर्म हो जाती हैं, टकराने के बाद क्या होता है, वाटर रिवॉल्व करना लगता है, तो इडीज लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद टरबाइन रनर हमारा घूमा, अब क्या, व्हील घूमना शुरू किया, तो व्हील जब घूमेगा इसके बाद घूमेगी हमारी कौन? टरबाइन शाफ्ट। कौन घूमेगा? टरबाइन शाफ्ट घूमेगी। जब रनर घूमना शुरू करेगा तभी तो टरबाइन शाफ्ट घूमेगी। तो इधर पे भी कुछ लॉसेस अगर कहते हैं जिन्हें हम मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल लॉसेस, ठीक। मैकेनिकल लॉसेस में कौन सा? जैसे बियरिंग के लॉसेस होंगे, बियरिंग लॉसेस, क्योंकि क्या है, जो शाफ्ट होगी वो बियरिंग पे रखी होगी ना, बियरिंग। अब रनर घूमा तो टरबाइन घूमी, लेकिन कुछ ना कुछ बियरिंग में क्या होगा, लॉस होगा, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल लॉसेस, क्लियर। और इसके बाद टरबाइन शाफ्ट कनेक्ट होती है हमारी जनरेटर से। किस पे? टरबाइन शाफ्ट हमारी कनेक्ट होती है जनरेटर से, ठीक। तो यहां पे जो अकर करेंगे वो जनरेटर लॉसेस कहलाएंगे, ठीक, जनरेटर लॉसेस। लेकिन हमें सिर्फ कितना, हमारा काम यहां तक है टरबाइन शाफ्ट तक, हमें सिर्फ कहां तक बात करनी है? टरबाइन शाफ्ट तक। ये इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, ठीक, तो हमें सिर्फ यहां बात करनी है। अब जरा गौर से देखते हैं, अब यहां पे पेन स्ट्रोक लॉस है और ये नोजल में लॉस होने के बाद यहां पे एक एच नेट पहुंच गया होगा, इफेक्टिव हेड यहां पे पहुंचा जो टरबाइन रनर पे जाने वाला है, ठीक। तो ये जो इफेक्टिव हेड है ये एक तरीके की पावर कौन सी लिए होगा? रो जी क्यू एच, कौन सी, ठीक। ये अब यहां से यदि पाइप से वाटर निकल के आया तो कुछ ना कुछ क्या देगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट दे रहा है, ये क्या देगा मुझे, वॉल्यूम फ्लो रेट दे देगा, ठीक। ये भी MgH ही लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए, ये मैं कह रहा हूं MgH एच नेट ही है, ठीक। कैसे देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, M को क्या लिखेंगे आप, मास है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे, और वॉल्यूम की जगह क्या आ गया है टोटल QT और जी एच नेट, यही तो लिखा हुआ है, यही लिख दिया मैंने यहां पे। ये वो एनर्जी है जो टर्बाइन को मिलने वाली है, ये मेरी इनिशियल टोटल एनर्जी है जो टरबाइन को मिलने वाली है, क्लियर। इसके बाद यहां पे आया तो टरबाइन व्हील जब रोटेट करेगा तो ये क्या, रनर पावर जनरेट करेगा, क्या देगा, ये रनर पावर देगा। और रनर पावर इन के, किस केस में, हर एक केस में हम लोग इससे निकालेंगे BW1U1 से।
यही तो फॉर्मूला है। जितने भी हम लोगों ने अलग अलग सरफेसेस पे अभी हम लोगों ने इंपैक्ट ऑब्जेक्ट देखा, तो क्या देखा कि हम लोगों को रनर पावर मिल रही थी, वो रनर पावर इस फॉर्म में मिल रही है। ठीक, इसके बाद जो ये टर्बाइन शाफ्ट पे जो पावर होगी इसे हम कहेंगे सॉफ्ट पावर। क्या कहेंगे? सॉफ्ट पावर। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, इधर और इधर ये मेरी टोटल एनर्जी है इनलेट पे जो एच नेट की वजह से आ रही है। ये क्या है? टोटल एनर्जी है एट, ठीक, इनलेट पे। और ये मेरी क्या है? रनर पावर है जो रनर घूम के जनरेट कर रहा है। ठीक, तो इन दोनों का जो रेशियो है यहां से मुझे मिलती है हाइड्रोलिक एनर्जी इफिशियंसी। क्या मिलती है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी। यदि मैं इस इन दोनों रनर पावर और एच नेट को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? हाइड्रोलिक इफिशियंसी। ठीक, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी सिंपली क्या है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी है मेरी रनर पावर, रनर पावर और ये तो एनर्जी एट इनलेट, एनर्जी एट इनलेट। ठीक है, तो रनर पावर तो हम लोगों ने एम डॉट वी डब्ल्यू यू प्लस माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, ठीक, लगभग सारे इसी फॉर्मूले इसी कंफिगुरेशन को हम लोग हर एक टर्बाइन पे यूज करने वाले हैं, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और साथ में एनर्जी एट इनलेट तो वो कितनी है? रो जी क्यू टोटल डिस्चार्ज और एच नेट इफेक्टिव है। ठीक, एक इफिशियंसी तो मुझे यहाँ हाइड्रोलिक इफिशियंसी मिल गई जो मेरे इनलेट पे एनर्जी है और रनर पावर पे एनर्जी है, और एक इफिशियंसी मुझे मिलती है यहाँ पे, ये जो टरबाइन रनर है टरबाइन शाफ्ट है इसके बीच में भी क्या है? हुआ एक लॉस हुआ है, तो यहाँ पे भी एक इफिशियंसी डिफाइन की जाती है, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी। क्या कहते हैं? मैकेनिकल इफिशियंसी। और मैकेनिकल इफिशियंसी कैसे दी जाएगी? शाफ्ट पावर और डिवाइड में रनर पावर। ठीक, शाफ्ट पावर यानी पी शाफ्ट जो मुझे शाफ्ट टरबाइन के टरबाइन शाफ्ट में मिलेगी जिसे मैं मीजर कर सकता हूं, वो मुझे कौन सी है? ये टरबाइन शाफ्ट पे पावर यानी शाफ्ट पावर ही मुझे दिखती है, उसी को मैं मीजर करता हूं, तो ये शाफ्ट पावर क्लियर, और ये कौन सी? रनर पावर। तो ये दो इफिशियंसी मिल गई। ठीक, अब ये दो इफिशियंसी, एक तो मुझे ये इनलेट पे एनर्जी की वजह से और रनर पावर की वजह से, दूसरी रनर पावर और शाफ्ट पावर की वजह से मिली। ठीक, अब इन दोनों इफिशियंसी को यदि मुझे ओवरऑल पे करना है तो क्या करना पड़ेगा? तब मुझे ये शाफ्ट पावर और ये इनलेट पे एनर्जी को यदि मैं कंसीडर करूं तो मुझे मिलेगी ओवरऑल इफिशियंसी। क्या मिलेगी? ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगी। यदि ये लास्ट वाला हिस्सा टरबाइन शाफ्ट और इनिशियल में जहां पे एनर्जी मिली हुई उन दोनों का रेशियो ले लो तो ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगी, और ये क्या कहलाएगी? सिंपली मेरी पी शाफ्ट पावर आएगी और लास्ट में आएगा रो जी क्यू एच टी एच नेट। ठीक, इन दोनों का यदि रेशियो जो इनिशियल में एनर्जी इनलेट की और लास्ट में जो हमें मिली इन दोनों को यदि ले लिया जाए तो क्या बन जाती है? ओवरऑल इफिशियंसी बन जाती है। तो इस तरीके से मुझे तीन तरीके की इफिशियंसी यहां पे मिल जाती है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या था? मेरा इंपल्स टरबाइन था जिसमें क्या था, रिजर्वायर से पेनस्टोक पे आई वाटर, आया वाटर से उसमें एक नोजल लगी हुई है जिसने क्या किया, टोटल मेरी अवेलेबल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और ये टोटल एनर्जी है कितनी? रो जी क्यू टी एच नेट। ठीक, ये एच नेट एनर्जी गई मेरी रनर पावर से, तो इसने काम रिवॉल्व करना शुरू किया और रिवॉल्व किया तो मुझे उसने रनर पावर दी। इस रनर पावर की वजह से जैसे ही रनर रोटेट करना शुरू किया तो मेरी टर्बाइन शाफ्ट रोटेट की, टर्बाइन शाफ्ट रोटेट करने की वजह से मुझे शाफ्ट पावर मिल गई। ठीक, लॉसेस की बात करें तो रिजर्वायर से पेन स्ट्रोक के बीच में जो लॉसेस हुए उन्हें हम पेन स्ट्रोक लॉसेस कहेंगे, और ये किस लिए होते हैं? क्योंकि वहां से आते वक्त वाटर चलेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, फ्रिक्शन की वजह से एक हेड लॉस जनरेट होगा जिसे हम निकाल सकते हैं डार्सी विस्बैक इक्वेशन से 4FLV² / 2DG से। फिर पेन स्ट्रोक और नोजल के बीच में हेड लॉस नोजल में हुआ होगा, फिर नोजल और टर्बाइन के बीच में बात करें तो हाइड्रोलिक लॉसेस अकर करते हैं जिसमें ब्लेड फ्रिक्शन, लीकेज लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस, एडीज लॉसेस हो सकते हैं। ठीक, अब यदि रनर और इसके शाफ्ट के बीच में बात करें तो वेयरिंग लगी होगी तो वेयरिंग लॉसेस हो सकते हैं। ठीक, तो इंपल्स टरबाइन में इतने तरीके के लॉसेस हो सकते हैं और तीन तरीके की ये एफिशिएंसीज मिल सकती हैं। क्लियर? ठीक, अब हम बात करने चलते हैं भाई, ये तो हो गया इंपल्स के बाद, अब रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। ठीक,
अब देखते हैं रिएक्शन टरबाइन के बारे में। ठीक, चलिए तो अब देखिए रिएक्शन में क्या होने वाला है भाई। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन टरबाइन के बारे में। तो रिएक्शन टरबाइन में, अब इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है रिएक्शन में। रिएक्शन टरबाइन कैसे होगी देख लीजिए। तो इसमें भी वाटर तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले रिजर्वायर पे होगा। ठीक, रिजर्वायर पे ही जब वाटर होगा यहाँ पे एक ग्राउंड सेट होगा जिसकी वजह से इस पे एक टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, फिर वाटर आए यहां से आएगा पेन स्ट्रोक के थ्रू। ठीक, पेन स्टॉक के थ्रू आएगा। ठीक, तो यहां पे पेन स्टॉक लॉसेस हो जाएंगी जो कि क्या दिया जाएगा, डार्सी वेयरबैक इक्वेशन 4FL2BG से। ठीक है, पेन स्टॉक के बाद अब यहां पे नोजल का कोई रोल नहीं होता जनरली। अब इसके बाद वाटर इंटर करता है इनके से, वाटर इंटर्स इन टरबाइन केसिंग, टरबाइन की केसिंग में वाटर इंटर करता है। और जब टरबाइन की केसिंग में इंटर करेगा तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, एच नेट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, और पेन स्ट्रोक से आने की वजह से मैं क्या मेजर कर चुका हूंगा, ठीक, डिस्चार्ज मेजर हो जाएगा क्योंकि पेन स्ट्रोक से जो निकल के आएगा वॉल्यूम फ्लो रेट मुझे मिल जाएगा। यह टरबाइन की केसिंग में वाटर इंटर किया। ठीक, जैसे ही टरबाइन केसिंग में इंटर करेगा तो फिर कहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग, रनर पे। तो यहां पे टरबाइन रनर होगा। ठीक है, टरबाइन रनर होगा, टरबाइन रनर रिट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, रनर पावर जनरेट करेगा। रनर पावर जनरेट करने वाला है और वो सिंपली एम डॉट VWU प्लस माइनस VW1 U1 से दिया जाएगा। ठीक है, अब टरबाइन पावर से टरबाइन रनर के बाद क्या होगा, टरबाइन शाफ्ट होगी। क्या होगी, टरबाइन शाफ्ट होगी। ठीक, टरबाइन शाफ्ट होगी तो ये शाफ्ट पावर जनरेट करने वाला है। ठीक, अब इसमें जो चीज लगी होती है, होती है यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब। क्या होती है, ड्राफ्ट ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, टरबाइन की केसिंग के अंदर ही क्या होता है, प्रेशर एनर्जी लगातार चेंज होती रहती है। प्रेशर एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। तो लास्ट में जब यदि हमारे पास वेलोसिटी लगातार क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है, और यदि हम उसे डायरेक्ट कैनाल में छोड़ देंगे तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है, इस काइनेटिक एनर्जी को अगेन प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक ठीक, फिर इसके बाद होता है जनरेटर। ठीक, ये हिस्सा तो जनरेटर लॉसेस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब यहां पे अब जैसे ही टरबाइन वाटर केसिंग के अंदर गया और टरबाइन रनर के बीच में आया तो यहां पे क्या होंगे, हाइड्रोलिक लॉसेस अकर करेंगे। क्या अकर करेंगे, हाइड्रोलिक लॉसेस। हाइड्रोलिक लॉसेस में कौन कौन से, ब्लेड फ्रिक्शन वही, ठीक, फ्रिक्शनल लॉसेस, क्लियर, इरीज लॉसेस, इरीज भी बनती है जब हमारा वाटर क्या टकराएगा, और कौन सा, लीकेज लॉसेस। ये सारे लॉसेस, लीकेज लॉसेस कौन से, कि वो वाटर जो हमारे टरबाइन की ब्लेड में नहीं टकराएगा तो वो क्या होगा, एक तरीके का लॉस होगा ना उसकी वजह से। ठीक, लीकेज लॉसेस। यहां पे उसी तरीके से मैकेनिकल लॉसेस आएंगे, मैकेनिकल लॉसेस आएंगे। ठीक, मैकेनिकल लॉसेस में वो भी बियरिंग लॉसेस। ठीक है, क्लियर। फिर वही चीज, टरबाइन रनर और टरबाइन के पावर जहां पे इनलेट हो रहे हैं, इन दोनों का रेशियो मुझे क्या देगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देगा। ठीक, यदि मैं बात करूं तो रनर पावर यानी एम डॉट VWU
प्लस माइनस बी डब्ल्यू वन यू वन अपॉन में रो जी क्यू टी एच नेट, ये क्या हो जाएगा मेरी हाइड्रोलिक इफिशियंसी। इन दोनों के बीच में कौन सी इफिशियंसी मिलने वाली है, मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक, यहां पे क्या होगा पी साफ पावर और यहां पे रनर पावर यानी एम डॉट वी डब्ल्यू यू प्लस माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन। ठीक, ये मैकेनिकल इफिशियंसी। और यदि मैं इनलेट वाली को और लास्ट की टर्बाइन शाफ्ट को कंसीडर कर लूं तो ये मुझे क्या दे देगा, ओवरऑल इफिशियंसी दे देगा। तो पी साफ्ट अपॉन इनलेट का एनर्जी रो जी क्यू टी एच नेट। ठीक, तो ये चीजें होंगी मेरे रिएक्शन टर्बाइन में। रिएक्शन टर्बाइन में नोजल का कोई खास रोल नहीं, लेकिन यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब है, वहां ड्राफ्ट ट्यूब का कोई यूज नहीं होता, यहाँ नोजल वहां का परफेक्ट रोल प्ले करती है। ठीक, तीन तरीके की एफिशिएंसी, उसी तरीके से इनलेट पे एनर्जी और रनर के बीच में एक एफिशिएंसी, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। रनर और शाफ्ट पावर के बीच में एक एफिशिएंसी, इसे हम कहेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। और यदि मैं शाफ्ट और डायरेक्ट इनलेट पे बात करूं तो क्योंकि शाफ्ट पावर ही लास्ट में जो मुझे मिल रही है, क्या है शाफ्ट पावर है, तो ये आखिरी और इनिशियल की बात कर लें तो वो बन जाएगी ओवरऑल एफिशिएंसी। हमें यहां तक डिस्कस करना है, जनरेटर वाला सेक्शन क्या इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, तो ये चीजें होती है। क्लियर, अब ये ओवरऑल इफिशियंसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ओवरऑल इफिशियंसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं नीटा एम इनटू नीटा एच, क्योंकि तब भी यही आएगा। चेक कर लीजिए, नीटा एम क्या है, पी साफ्ट मैकेनिकल इफिशियंसी अपॉन में एम डॉट रनर पावर यानी वी डब्ल्यू यू प्लस माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, और इनटू हाइड्रोलिक इफिशियंसी की यदि बात कर लें तो ये क्या बन जाएगा, एम डॉट वी डब्ल्यू यू प्लस माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगी, इनलेट रो जी क्यू टी एच नेट। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो बचेगा वो सिंपली किसके ओवरऑल एफिशिएंसी के बराबर बचता है। क्लियर, ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्शन टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनमें किस तरीके के लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस अगर करेंगे कौन कौन सी इफिशियंसी मिलती है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अभी भी हम लोगों ने एक टर्म मिस किया, वो टर्म क्या होता है, सिंपली एक लीकेज लॉस को कैसे कंसीडर किया जाए, क्या हो, किसको, लीकेज लॉस को कैसे कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए उन एक इफिशियंसी और दी जाती है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। क्या कहते हैं, जिसे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं। ठीक, एक इफिशियंसी और यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस लिए दी गई, सिंपली लीकेज लॉस, क्योंकि कुछ ना कुछ लीकेज लॉस होंगे, जो लीकेज कहां से, हमारे या तो कुछ ना कुछ केसिंग से लॉस लीकेज हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ क्या, जितना हमने वाटर भेजा पूरा का पूरा किससे, ड्रेन से ना टकरा के कुछ ना कुछ पोर्शन कैसा निकल जाए, खाली निकल जाए, तो लीकेज लॉस अगर करेंगे। ठीक, क्लियर है, ओवरऑल यदि देखें इस तरीके से, यहां पे ये मेरी क्या है, एक स्पाइरल केसिंग है टर्बाइन की, ये कैसी केसिंग है, स्पाइरल केसिंग होती है, यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर, इसकी जब ये जब रिएक्शन टर्बाइन होती है तो एक स्पाइरल केसिंग होगी, यहां पे ये शाफ्ट होगा, यहां पे बेंस लगी होंगी। ठीक, वाटर यहां से इंटर करेगा, ठीक है, ये वाटर यहां से इंटर करेगा, तो ये क्या है मेरा केसिंग है, केसिंग के बाद हम कहां पहुंच गए, रनर पे। ठीक, ये रनर ब्लेड्स हैं, रनर, और ये क्या है मेरी शाफ्ट है। ठीक, तो जो ये केसिंग पे, यहां पे जो वाटर इंटर किया, इसके पास जो एनर्जी होती है वो क्यू टी एच नेट होती है। ठीक, केसिंग पे इंटर किया, अब ये केसिंग के अंदर जैसे जैसे, तो ये कैसा ग्रेजुअली डिक्रीजिंग सेक्शन होता है, तो क्या होता है, स्पीड को बढ़ने का काम करता है, लेकिन ओवरऑल जब अभी मैं रिएक्शन टर्बाइन बताऊंगा तो इस केसिंग का जो फंक्शन होता है वो वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कब, जब आप रिएक्शन टर्बाइन्स में आएंगे। ठीक, तब इसका फंक्शन केसिंग का मैं प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अब यहां पे आते हैं, तो रनर और शाफ्ट और केसिंग, तो ये जो एनर्जी है, सबसे पहले वाटर आके वेन से टकराएगा,
इन दोनों के बीच में जो इफिशियंसी, रनर के बीच में ये रनर ब्लेड्स हैं और जो इनलेट एनर्जी है इसी को दिया जाता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। और जो रनर के बाद हमारी ये शाफ्ट अब रोटेट करना शुरू करेगी क्योंकि रनर रोटेट करना शुरू कर रहा है, तो इनके बीच में जो इफिशियंसी दी जाती है वो मैकेनिकल इफिशियंसी। अब ये जो वाटर यहां से आया है ये पूरा पूरा क्या इन वेन से टकराएगा क्या? कुछ ना कुछ वाटर क्या हो जाएगा, खाली चला जाता है। उसको काउंटर करने के लिए हम लोग एक एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो कि कहती है कि क्यू एक्चुअल, एक्चुअली कितना वाटर स्ट्राइक किया है और बटे क्यू टोटल, टोटल कितना डिस्चार्ज है। ठीक, ये क्यू टोटल, यहां से टोटल डिस्चार्ज आया मेरा क्यूटी, ठीक, जो पेन स्ट्रोक से निकल गया है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा क्या जाता है, खाली निकल जाता है, इस वेन से नहीं टकराता, तो वो क्या क्यू एक्चुअल जो डिस्चार्ज है जो रियल में वेन से टकराया है और जो क्यू टोटल है उनका दोनों का रेशियो ले ले तो ये क्या बन जाती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बन जाती है। क्लियर? ये मेरा क्या है, रिएक्शन टर्बाइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन टर्बाइन की बात कर रहे हैं। यहां पे पूरी केसिंग में क्या है, वाटर भर के चलता है, यहां पे पूरी केसिंग में वाटर भरा होता है और यहां पे लगातार जब ये रिवॉल्यूशन शुरू रहता है तो क्या हो रहा था, इस दौरान भी यहां पे प्रेशर एनर्जी किसमें चेंज हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो निश्चित तौर पे जब लगातार यहां पे वेलोसिटी, तो ये काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती चली जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक यहां पे ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं ताकि ये जो काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो ये क्या करती है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका पुनः फिर से क्या करती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन करती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रिएक्शन टर्बाइन। ठीक, वही जबकि इंपल्स टर्बाइन की यदि बात करें तो इंपल्स टर्बाइन में क्या होगा, सिंपली क्या होने वाला है, इंपल्स टर्बाइन ऐसी होती है कि यहां पे मेरे पास एक जेट होगा, जेट से वाटर आ रहा होगा, यहां पे डायरेक्टली ऐसे ये टकरा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे केसिंग का कोई काम नहीं, यहां पे केसिंग का कोई काम नहीं, फिर भी बस दिया जाता है कि वाटर के स्प्लैशिंग को रोका जाए। यहां पे केसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, यहां पे सिंपली वो क्या है, वाटर जेट से आया, नोजल के थ्रू आया और ये सीधे इसको टकराता है और ये रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक, तो यहां पे जो वाटर, यहां पे एनर्जी जो होती है वो मेरी रोजी क्यूटी एच नेट, ये नोजल के पे, यहां पे सीधे ये रनर वेन्स। ठीक, इन दोनों के बीच में हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी डिफाइन कर देते हैं। और ये रनर वेन्स किससे कनेक्ट हैं, शाफ्ट से, तो शाफ्ट, ये शाफ्ट और इन दोनों के बीच में रनर और इसके बीच में हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल के लिए शाफ्ट और इनलेट की बात कर लेते हैं कि आखिरी में क्या मिला है, इनिशियल में क्या मिला। ठीक, यहां पे केसिंग का कोई रोल नहीं होता, यहां पे नोजल पूरी पूरी एनर्जी कन्वर्ट की होती है और यहां से टकराने के बाद वेलोसिटी भी लगभग क्या हो जाती है, नलीफाई हो चुकी होती है। ठीक, क्लियर? तो ये क्लियर है आपको, सारी इफिशियंसीज क्लियर है, फंक्शनिंग लगभग हर टर्बाइन ही क्लियर है। ठीक, कितने लॉसेस होते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स, किस तरीके से टर्बाइन का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्लासिफिकेशन तो उसकी वर्किंग के हिसाब से ही है। सबसे पहला जो बेसिक है वो किस पे है, वर्किंग के ही ऊपर ही है, तो इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन ही हो जाएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स। ठीक, तो सबसे पहले वर्किंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो दो तरीके की टर्बाइन आ जाएंगी, एक आ जाएगी इंपल्स, दूसरी आ जाएगी रिएक्शन। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इंपल्स की बात करें तो यहां पे मेरे पास क्या होता है, सिंपली इस तरीके से एक वो होती है नोजल, यहां पे पेन स्ट्रोक के एंड में एक नोजल लगी होती है, यहां पे जेट आ रहा होता है। ठीक, यहां पे केसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक, यहां पे क्या होता है, यहां पे केसिंग का फुल फंक्शन होता है कुछ ऐसा, और यहां पे रनर होता है, वाटर यहां से इनलेट कर रहा होता है, पूरी केसिंग में वाटर
भरा होता है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखते जाते हैं। तो सबसे पहला टोटल पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी या कन्वर्जन होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी में, पहला डिफरेंस। और इसमें जो पहला डिफरेंस यहां पे पार्शियली पार्शियली काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है किसमें, सॉरी पार्शियली प्रेशर एनर्जी का चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। यहां पे क्योंकि हमें क्या था, यहां पे तेज स्पीड चाहिए, हमारा कंसीडरेशन क्या था इंपल्स टरबाइन के लिए, स्पीड ज्यादा चाहिए, तो टोटल प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे हमारा मेन फंक्शन क्या था, रिएक्शन टरबाइन के लिए मास फ्लो रेट ज्यादा हो जाता है, इस वजह से मास फ्लो रेट के लिए हमने पूरी केसिंग में वाटर भर रखा है, पूरी केसिंग में क्या है वाटर सप्लाई कर रहे हैं, मास फ्लो रेट ज्यादा हो गया तो अब वेलोसिटी कम कर सकते हैं, तो पार्शियली प्रेशर एनर्जी कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, क्लियर। एक अंतर ये हो गया। दूसरा यहां पे टोटल या ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन के लिए, ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ टरबाइन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड इज एटमॉस्फेरिक। यहां पे देखिए, अब यहां पे केसिंग की कोई जरूरत नहीं, मुझे यहां पे केसिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, यहां पे तो सिंपली वेल लगा दीजिए, टरबाइन लगा दीजिए और टरबाइन नोजल से आके टकराने लगेगा, घूमने लगेगा, तो यहां पे टोटल का टोटल जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है पूरे फंक्शनिंग के दौरान, जब टरबाइन रिवॉल्यूशन कर रही होती है उस दौरान टोटल का टोटल प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, ये कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पे क्या होता है, प्रेशर एट इनलेट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट आउटलेट। यहां पे क्या होता है, यहां पे जब प्रेशर यहां पे बात करते हैं तो पीआई जो होगा इनलेट पे प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा आउटलेट पे, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने पूरी की पूरा प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट नहीं किया, क्यों, ग्रेजुअली प्रेशर एनर्जी का चेंज यहां पे ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन क्या हो रहा, प्रेशर एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन या वर्किंग प्रेशर एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है, इसीलिए प्रेशर क्या है इनलेट पे ज्यादा होता है आउटलेट पे कम होता है, ठीक। यहां पे और एक अंतर देख लीजिए, केसिंग का यहां पे कोई फंक्शन नहीं है, यहां पे इस इंपल्स टरबाइन में केसिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन केसिंग लगाई जाती है ताकि जो वाटर टकरा के स्प्लैश करके बाहर न जाए, या फिर एक्सीडेंटली कोई उंगली न डाल दे, या कोई भी पार्ट फंस न जाए जब टरबाइन वर्क कर रहे हो, तो केसिंग लगाई जाती है लेकिन उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। लेकिन यहां पे बात करें तो केसिंग हैज हाइड्रोलिक फंक्शन एंड It maintains constant velocity during revolution। यहां पे केसिंग का काम है, केसिंग कांस्टेंट, अभी ये रियल में तो ये स्पाइरल केसिंग है, घटता हुआ क्रॉस सेक्शन है, स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब रिएक्शन टरबाइन वो करेंगे तो वहां ये इसका फंक्शन होता है रियल में कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करना, ठीक है, ये काम क्या करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करती है। आप कभी भी इसका स्पाइरल केसिंग को पढ़ करके ये नहीं समझ जाइएगा कि ये क्या करेगी, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करती है, ठीक, क्लियर। एक अंतर और क्या हो सकता है, यहां पे देखिए, जेट स्ट्राइक एट अ पार्ट ऑफ टरबाइन, जेट किसी टरबाइन के किसी हिस्से में पार्ट पे ही टकरा रहा है, या कहो जेट है या कहो वाटर या जेट क्या हो रहा है, ये सिंपली किसी पार्ट पे ही टकरा रहा है, लेकिन यहां पे देखिए फुल केसिंग
इज फुल विद वाटर, फुल विद वाटर। यहां पे पूरी केसिंग में वाटर भरता है, ठीक, क्योंकि हम मास, इसका कंसेप्ट ही यही था रिएक्शन टरबाइन को डेवलप करने का कि मास फ्लो रेट बढ़ाना है, इसीलिए यहां पे पूरी केसिंग में वाटर भरा हुआ होता है, लेकिन यहां पे क्या है, सिंपली किसी एक जगह पे, ठीक। और क्या हो सकता है यहां पे, और यहां पे ड्राफ्ट ट्यूब का कोई यूज नहीं होता, ठीक, नो यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, नो यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब का यहां पे कोई यूज नहीं होता है, ठीक। यहां पे बात करें तो ड्राफ्ट ट्यूब इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी लॉस एट आउटलेट, आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी लॉस को रोकने के लिए यहां पे क्या, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो इतने तरीके के लगभग अंतर आपको इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्लियर है अब, ठीक, अभी आप समझ पाएंगे, लिख पाएंगे इजीली, ठीक है। अब आपको क्लियर है ना सारे अंतर, कितने क्या क्या अंतर हो सकते हैं इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में, ठीक। एग्जाम्पल की बात कर ले तो यहां पर आती है पेल्टन व्हील, यहां पर आती है पेल्टन व्हील, यहां पर कौन सी आती है, फ्रांसिस, फ्रांसिस कैपलन प्रोपेलर, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक। तो ये एक क्लासिफिकेशन तो इसी तरीके से इंपल्स और रिएक्शन के फॉर्म में हो जाता है, ठीक। और दूसरा क्लासिफिकेशन और क्या हो सकता है, तो ड्यूरिंग, ये तो क्या था, वर्किंग के आधार पे था, किसके आधार पे था, ये वर्किंग के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया, किसके हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से क्लासिफाई किया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो, अब किसकी बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लो, किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है टरबाइन को, ठीक है। तो कौन कौन से, तो यहां पे सबसे पहला इसमें होता है टेंजेंशियल फ्लो, क्या होता है, टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो में जैसा कि हमारा इंपल्स टरबाइन था, क्या था, इंपल्स टरबाइन, यहां पे देखिए ओवर जेट कहां पे टकरा रहा है, यहां पे इसके टेंजेंशियल, ये रोटेट कैसे करेगी, ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक, ऐसे। तो ये जो फ्लो है वाटर का ये कैसा है, ये टेंजेंशियल फ्लो है, तो एक टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो होती है जैसा कि पेल्टन व्हील में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी होती है रेडियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन दो तरीके की होती है, एक तो होती है इनवर्ड, दूसरी होती है आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा, वाटर इंटर करेगा आउटर पे और ये रेडियली फ्लो करता हुआ अंदर की ओर और निकल जाएगा यहां से, ठीक। तो यहां पे रेडियल कैसा है, रेडियली वाटर अंदर की ओर फ्लो करता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो ये है इनवर्ड रेडियल फ्लो। यदि आउटलेट की बात करें तो यहां पे आउटवर्ड कैसा होगा, तो यहां पे वाटर सेंटर पे इंटर करेगा और रेडियली आउटवर्ड बाहर चला जाएगा, ठीक। तो ये होती है रेडियल फ्लो टरबाइंस, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं और हो सकती है कौन सी, एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो, ठीक। तो ये रेडियल फ्लो टरबाइंस हो गई। अब एक्सियल फ्लो टरबाइंस की बात करें तो एक्सियल फ्लो टरबाइंस क्या होंगी कि इनमें जो वाटर होगा वो ब्लेड इस तरीके से डिजाइन की जाएंगी कि टोटल का टोटल जो वाटर होगा
वो एक्सियली ही फ्लो कर जाए। कैसे? एक्सियली, जैसे फैन की बात करते हैं। कैसे? फैंस में जैसे ही एयर आती है, एयर टकरा कर कहां नीचे की ओर आती है ना, कैसे, जैसे फैन की ब्लेड्स होती हैं, फैन की ब्लेड में क्या होता है, एक ट्विस्टिंग होती है, तो जैसे ही यहां पे टकराती है सीधे कहां नीचे फेंक देता है, तो उसी तरीके से यहां पे वाटर इंटर करेगा और सीधे एक्सियली फ्लो करेगा, यानी टरबाइन के एक्सिस के अलोंग ही वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक, तो रेडियल फ्लो, ये एक्सियल फ्लो मेनली क्या करता है, मास फ्लो रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है ये मास फ्लो रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसी वजह से ये कैसी होती है, जितना ज्यादा मास फ्लो रेट होता जाएगा उतनी ही ये लो हेड टर्बाइन्स के लिए काम करेंगी। कैसी? लो हेड के लिए उसी तरह बढ़ते जाते हैं। तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स क्या करती हैं, अब जब सीधे सीधे ग्रेविटी एक्शन के थ्रू क्या है, नीचे ही भागना है पूरे पूरे फ्लो को, तो क्या कहलाती है, मास फ्लो रेट बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए ये लो हेड टर्बाइन्स होती हैं। और ये जैसे कैपलन, ठीक, कैपलन टर्बाइन्स, प्रोपेलर टर्बाइन्स, ठीक, ये कैसी एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स होती हैं। वहीं मिक्स्ड फ्लो की बात करें तो मिक्स्ड फ्लो में कैसा होता है कि यहां पे वाटर जो होगा हमारा पहले रेडियली इनलेट करेगा, ठीक, और धीरे धीरे एक्सियली होता चला जाएगा। ठीक, तो यहां पे जो एंट्री होगी वो कैसी होगी, इंटर रेडियली, इंटर रेडियल फॉर्म में करेगा, इंटर रेडियली, और जो एग्जिट होगी वो कैसी हो जाएगी, एक्सियली। ठीक, तो ये मिक्स फ्लो टर्बाइन्स होती हैं, इसमें कौन सा आ जाएगा, फ्रांसिस। तो ये मेनली यदि फ्लो के आधार पे देखा जाए तो टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन्स, रेडियल फ्लो टर्बाइन्स, एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स, मिक्स फ्लो टर्बाइन्स आती हैं। ठीक, टेंजेंशियल फ्लो में पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील तो हम जानते हैं कैसी है, हाई हेड टर्बाइन्स होती हैं। ठीक, इसके बाद रेडियल फ्लो और मिक्स फ्लो की बात की यहाँ पे सेंटर पे यदि इन्वर्ट की बात कर रहे हैं तो ये आउटर पेरिफेरी पे इंटर करेगा, रेडियली फ्लो करता हुआ सेंटर से बाहर हो जाएगा। आउटवर्ड की बात करें तो सेंटर पे इनलेट करेगा और रेडियली फ्लो होता हुआ आउटवर्ड बाहर हो जाएगा। मिक्स फ्लो की बात करें तो रेडियली और एक्सियली दोनों हो जाएंगी। और ये रेडियल फ्लो टर्बाइन्स और मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन्स कैसी होती है, मीडियम हेड टर्बाइन्स होती है। कैसी होती है ये, मीडियम हेड टर्बाइन्स होती है। इनमें मास फ्लो रेट क्या हो गया, इनसे थोड़ा ज्यादा होता है हमारी फिल्टर व्हील से। ठीक, और वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है वाटर की। अब यहाँ पे बात करें एक्सियल फ्लो टर्बाइन की, तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन हमारी ये है, ये कैसी है, लो हेड टर्बाइन होती है, मास फ्लो रेट हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ पे कैपलन और प्रोपेलर। अब जब भी एक्सियल फ्लो टर्बाइन का कंसेप्ट समझना हो तो सिंपली क्या देखें, फैन को देख लें ऊपर, तो फैन में जैसे ही एयर टकराती है सीधे क्या नीचे की ओर फ्लो करने शुरू कर देती है, तो वैसा ही कुछ एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स में होता है। ठीक है, क्लियर। तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स अकॉर्डिंग टू फ्लो भी हो गया, और क्या हो सकता है, और हमारे पास एक कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, अब हमारा हेड के अकॉर्डिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है, हेड के ऊपर। ठीक है, तो हेड के ऊपर यदि बात की जाए तो मीडियम हेड, हाई हेड, ये जैसे अभी हम लोगों ने यहां पे भी क्लासिफाई कर दिया था, तो यहां पे तीन तरीके की, हाई, मीडियम और लो की बात करते हैं। ठीक, तो मोर देन यदि 300 है, मोर देन 300 मीटर तो ये हमारी हाई हेड टर्बाइन होगी, 250-260 मीटर के बीच है तो ये मीडियम हेड टर्बाइन हो जाएंगी। ठीक है, और यदि बिलो 60 है तो ये कैसी हो जाएगी, लो हेड टर्बाइन हो जाएगी। यदि मोर देन 300 है, ऐसा हम कहां यूज करते हैं, पेल्टन व्हील में। मीडियम हेड के लिए बात करें तो यहां पे फ्रांसिस टर्बाइन यूज होती है, और बिलो यदि 60 है तो यहां पे कैपलन और प्रोपेलर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और एक और क्लासिफिकेशन आता है स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में, किसके टर्म में, स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में। तो स्पेसिफिक स्पीड अभी क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में पूरा डिटेल, अभी एक टॉपिक ही इसमें क्लियर किया जाएगा कि इसका डेरिवेशन भी करेंगे, स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है। ठीक है, क्लियर। तो अभी बस केवल समझने के लिए कर लीजिए कि स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में भी होती है। ठीक, स्पेसिफिक स्पीड में क्या होता है, यहां पे भी वही लो, मीडियम और हाई, और हाई की बात करते हैं। ठीक, यदि लो तो यहां 10-35 के बीच, यहां पे कौन सी टर्बाइन आती है, पेल्टन। ये किसमें, मीट्रिक यूनिट्स में दे रखा, ये वैल्यूज है किसमें, मीट्रिक यूनिट्स में। ठीक है,
और यहाँ पे 35 है, 35 से यदि 220 के बीच में हो जाए तो ये कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे फ्रांसिस टर्बाइन आ जाएगी, ठीक है। और यहीं पे यदि 220 से लगभग 1000 के बीच में यदि बात की जाए तो यहाँ पे कैपलन टर्बाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी यूनिट्स मैंने जो दे रखे हैं नंबर से क्या है, मीट्रिक फॉर्म में है, किसमें है, मीट्रिक फॉर्म में। तो देख लीजिए यहाँ पे जब हेड हाई होगा तो स्पेसिफिक स्पीड कैसी है, लो है। जब हेड मीडियम हुआ तो ठीक है मीडियम, लेकिन जैसे ही हेड कैसा हो गया, लो हो गया, तो स्पेसिफिक स्पीड हमने क्या हो गई हमारी टर्बाइन की, बढ़ जाती है क्योंकि मास फ्लो रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से वेरियस क्लासिफिकेशन भी हो गए टर्बाइन के, ठीक। तो ये इस तरीके से टर्बाइन्स का हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी इफिशियंसी होंगी, क्या लॉसेस होने वाले हैं, ठीक, उसके बारे में बात कर ली। फिर किस तरीके कितने तरीके के टर्बाइन्स को क्लासिफाई किया गया वो भी हमने आज बात कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अब हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंपल्स टर्बाइन के बारे में, या कहो पेल्टन व्हील के बारे में, क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।